तो यार हम लोग पहुंच चुके हैं आईएड और यहाँ पे एक मसला हो गया था। अगर मां वायरल ना हो याद रखियो, पाकिस्तान का झंडा बनने लगा है, देखते हैं ये कौन सा वाला झंडा बनाते हैं। हैं भी तीन। अब ये मेरे पीछे चार लड़कियां हैं ये जो ब्लॉग बना रही हैं, चारों दोस्त आराम से एक यार घूम फिर के वापस आके मेरे ये दोस्त भी आके इस्लामाबाद वाले ये हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो यार आज है 14 अगस्त, सबसे पहले तो सबको मेरी तरफ से जश्न आजादी मुबारक। तो आज हम लोगों ने जाना है आजादी का जश्न मनाने, जश्न देखने F9 पार्क में कोई कॉन्सर्ट है, मैंने सुना है कल भी हुआ है, कल हमारा मिस हो गया, 13 अगस्त की रात को भी था और 14 को भी है। गाड़ी और लड़के दोनों बाहर खड़े हुए, मैं अंदर इंट्रो करने आया हूँ। दो गाड़ियाँ लेकिन लड़के मेरे ख्याल में ज्यादा हैं, तो जाके देखते हैं कैसे पूरे आते हैं और सीधा जाते हैं कॉन्सर्ट की तरफ। ये है जी हमारी अपनी गाड़ी जिसमें हम लोग जा रहे हैं और ये हमारी दोनों भी ओवर रोड। आजादी बनाने का नया तरीका ढूंढा है, इंजन का काम ना करा उसकी दुआ मार दिए तो लेके निकल आते हैं भाई। यारा अंदर गर्मी लग रही थी, हम सारे बाहर निकल रहे हैं, एक लड़का से बंदर रह गया, वो शोर कर रहा है अंदर भी बाहर आ रहा है। खैर मुलाजमत हो गई है, किसकी फैमिली लेके किसको ले गए। तो यार हम लोग पहुंच चुके हैं आई एड और यहाँ पे एक मसला हो गया था। मसला ये हुआ था कि हमारे एक लड़के को पकड़ लिया था मुलाजमों ने और बंद कर दिया था, अभी उसको निकलवाया और अभी जा रहे हैं वापस डेस्टिनेशन पे। तो यार अभी मोटरसाइकिल जो पकड़ा गया था ना वो छुड़वाया एक पुलिस वाले ने, अब उसको हमने मोटरसाइकिल दे दिया है उसी पुलिस वाले को, बैंड वाला मोटरसाइकिल कोई चला आगे एक और चौकी आई एड वाली, हमने कहा वापस ना रोक लेंगे, उस पर जा रहे हैं। अगर वायरल ना हो याद रखियो, अरे तू इतना मारती है ना, इतना मारती है ना, परिनियां छोटियां मारती है, तू वायरल नहीं है। तैयार तूने मिस कर दिया, हमारे पार्टनर का हाथ आ गया दरवाजे में। कैसा भाई? चला ही गया यार, मुंह नहीं लगा रहा खैर में बात नहीं। यार हम लोग हैं बिल्कुल संडोरों से सामने, लेकिन यहाँ मजे की बात यह हमारे अलावा कोई भी चीजों से बाहर नहीं है, सारे शरीफ आदमी संभाल के एक नीचे से शोर कर रहे यार अंदर यार यार मैंने बाहर आ की चाहिए गर्मी में बहुत है। यार आज इस लड़के को गर्मी लग रही थी ना, उसको मैंने बोला रश में तू बाहर निकल जा, मैं खुद भी बाहर निकला और वो भी बाहर निकला, हम दोनों बाहर निकले हैं। इतने मैंने देखा अगर सरा खत्म हो रही है, मैंने उसको बोला वापस बैठ गया, वो नहीं बैठा, मैं बैठ गया, वो उधर पीछे है, अब हमने इतना आगे आकर रोका है, अभी उसका वेट कर रहे हैं, वो पैदल आ रहे हैं, यहाँ से आके बैठेगा तो फिर जाएंगे आगे। तो यार आखिरकार 4-5 घंटे की सवारी के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं गेट पे, पहले हम वो दूसरे के F9 वाले गेट पर गए, अभी F8 वाले गेट पर आए हैं, सारे खड़े हुए हैं गाड़ियों में ले गए हैं, गाड़ी पार्क करने वो पार्क करके आएंगे तो फिर सारे अंदर जाएंगे इकट्ठे। मुझे तो पता भी नहीं अंदर सिंगर कौन आया, वो भी जाके देखूंगा। पाकिस्तान का झंडा बनने लगा है, देखते हैं ये कौन सा वाला झंडा बनाते हैं। हैं भी तीन ना, हाँ पाकिस्तानी झंडा बनाया ने बन गया, बंद होगा फिर ऑन होगा, ये ऑन हो गया। यार यही मजाक करते करते रात के 10 बज गए और अभी ये कह रहे हैं हमें इस गेट से अंदर नहीं होने देते, कह रहे हैं गेट नंबर 3 पे जाओ। अब हम लोग गेट नंबर 3 पे जा रहे हैं और वो ठीक ठाक दूर है, क्योंकि गेट नंबर जो 1 था नहीं बल्कि 1 से 4 तो दूर हो गई, देखते हैं कितना दूर है, लेकिन है दूर है उस साइड। कैमरा बंद कर ये अच्छा यार कर रहा यार। हम लोग पहुंच चुके हैं पार्क के अंदर, अभी ये सारा जो है कॉन्सर्ट वहाँ पे स्टेज वगैरह लगा हुआ है, ये एंट्रेंस है, यहाँ से इंटर हुआ, अभी जाएंगे आगे आगे लाइट से पता नहीं यहाँ पे सही आ रही है। यार साथ हो जा जा, कैसा लगा आपको ये पार्क? में तो पहले एक बार आया हूँ, मैं भी आ चुका हूँ। आपकी सिंगर कौन है को पता है? चल आके दोनों देखते हैं कौन है, पता नहीं कौन है। इधर गाना लग गया, क्या पता काफी राइट आ जाए, लेकिन हम काफी आगे आ गए, अभी आसिम अज़र आए का मैंने पूछ लिया इनसे, तो उसी का वेट कर रहे हैं, आता है तो उसका गाना रिकॉर्ड तो कर लेंगे लेकिन काफी राइट क्लेम आ जाएगा ये मसला। जरा मैंने बोला जब तक आसिम अज़र आता है तब तक मैं इधर चीजें देखूंगी यहाँ पे क्या क्या, सारे लोग बल्कि कैमरे से बना रहे हैं, बड़े लोग आए हुए हैं। तो खैर इधर स्टॉल है, सबसे ज्यादा स्टॉल पे रश हुआ है करीम वाले पे, पीछे करीम पता नहीं क्या, वो जाके बाद में देखेंगे। डायरेक्ट लोग पता नहीं सॉसेज, इधर तो ऐसी चीज़ें बिक रही हैं, मुझे नाम भी नहीं आता उनका। खैर यहाँ पे जो है सारे फूड स्टॉल हैं, पिछली बार जब मैं आया था ना फूड फेस्ट पे आया था, तो मुझे लगा शायद फूड स्टॉल होता है, मैं असल में कॉन्सर्ट पर काफ़ी कम आया हूँ, लेकिन ये हर कॉन्सर्ट पर था मुझे पता लगा। खैर ये जो है ये पता नहीं क्या चीज़ है, तो पता मुझे कुछ भी नहीं है, मैं आप लोगों को दिखाने आ गया, अभी आपको दिखाऊँगा क्या चीज़ है। क्या हाल है? अलहमदुलिल्लाह।
मेरे जहन में अभी आया कि मैं वो जाके नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं सिनेमैटिक तो बना सकता हूँ। अब मैं जा रहा हूँ सिनेमैटिक बनाने उस साइड पे भी और उस साइड पर भी, सारे दिन लेके आऊँगा जो अच्छे लगे उसको बना के। अच्छा, इस ट्रेड रूम की मैं बात कर रहा था, यहाँ पे मैं कह रहा था बहुत रश है, सब में आइसक्रीम है ना, लोगों को गर्मी लगी हुई है इधर आने। तो लड़के मुझे देख रहे हैं मेरी हंसी में कर हाँ भैया, मेरे पीछे चार लड़कियाँ हैं जो ब्लॉग बना रही हैं, चारों दोस्त आराम से एक दूसरे की वीडियो बना रहे हैं, आराम से ब्लॉग बना रहे हैं। मेरे इतने कोई जंगली दोस्त हैं, कैमरा खोलता जाऊँ अभी तक की आवाज़ें निकालना शुरू हो जाते हैं उनकी वजह से। पूरा मैं उनको छोड़ के ना, कोई 18-15 लड़के हैं उनको छोड़ के मैं सबसे अकेला आया हूँ। मैंने कहा यार मुझे ब्लॉग बनाने दो, उनके साथ रहा तो मेरा एक ब्लॉग नहीं मिला। शर्म करो, बेशर्मो वो, उनको देखो उनको। यार घूम फिर के वापस आके मेरे ये दोस्त भी आके संभाल वाले, ये कम से कम के बेहतर है, मतलब ब्लॉग मस्ती क्या कर रहा है अभी। इससे मैंने 2-3 क्लिप लेने, इन्हें पहले ही मेरे लिए क्लिप बना के रखे हैं। ऐसा ही मुजरा किया ना यार, मजा आ गया, लेवल हो गए यार, लेवल। मैं उधर से आया हूँ पिंडी से, इधर देखो हमारा सोट भाई सबर 1200 रुपया। इसको दुख लगा हुआ, पता नहीं क्यों दुख लगा है इसको, इसकी स्टोरी है। घर का सबसे मनुष्य बेटा यार, भाई बाहर चला गया, टेंशन है बहुत, जिम्मेदारी सारी सर पे है। किस चीज का दुख है तेरी स्टोरी में देखते भाई, भाई बाहर चला गया बहुत टेंशन है यार। यार हम लोग अभी शेर यहाँ पे बनाने लगे हैं, ये शेर ढूंढ रहे हैं, छोटा शेर वो लोग चाइनीज के पास गए, उसको कन्विंस कर रहे हैं यार कि काउंटर। यार इन्हें अपने पोस्टल पे टाइम दिया हुआ था 10:30 का, हम लोग इंतजार करते रहे हैं, 11:30 हो गया लेकिन अभी तक कोई भी नहीं आया। स्लोगो बन गया क्या, किस स्लोगो बन गया वो, सब्सक्राइब टू आरबी ब्लॉग। किसी लड़की को बोलो मेरी इधर फ्रेंड्स है। अच्छा वो जो हमने चाइनीज से वीडियो बनवाई थी ना, वो स्लोमो तू स्लोमो ही डाल दी, मैं उधर वॉइस ओवर डाल दी, छींक फोला सब्सक्राइब भी नहीं आई होगी क्या बता। खैर हम लोग जा रहे हैं वापस, क्योंकि लेट बहुत कर दिया है। हाँ यहाँ इधर कर लेते हैं। हाँ जी बस सेट हो गया, जस्ट फॉर फन आप लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं। पहुंच गए हैं जी, चल अंदर हो। एक बोतल 100 रुपए की भाई छोटी, बहुत इंसाफ नहीं है। मैं ये सोच रहा हूँ कि अब वो लड़के किधर गए हैं यार, ब्लॉग में एक तो मैं उन्हें कह रहा था नहीं जाना, वो कहते हैं जाना है, अब जाओ छोड़ के चले। फिलहाल भाई जा ही रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, झूला दिलवा दे रहा वाला। हां बच्चे हो यार, अच्छा यार चले जी, कॉन्सर्ट हो गया खत्म, जा रहे हैं वापस आए किशोर के साथ, जा रहे किशोर के साथ हैं। माद भाई क्या हाल है, यहाँ पे मुझे कोई कम से कम भी ना, कम से कम भी 35 लड़के मिले हैं अपने सारे मोहल्ले के, उठ के इधर आए हुए थे। नाइस मीर भाई क्या हाल है, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। आप तो काफी देर रुके रहे हैं यहाँ पे जी, हम काफी देर रुके रहे हैं, मैं जो आया हूँ यहाँ से आधे घंटे बाद, बहुत अच्छा लगा। नाइस भाई से पूछे कैसे लगे, कंसर्ट जो था बहुत क्या बताऊँ किस तरह का था, काफी इतनी थी गर्मी थी बहुत ज्यादा। मेन पार्ट तो हमने देखा नहीं, उन्होंने असल में लिखा हुआ था कि 10:30 बजे जो है ना हमारा कॉन्सर्ट खत्म हो जाएगा, उस लिहाज से सारे आए, अब सारी लेट हो गया, कह रहे हैं खत्म ही नहीं कर रहे वापस, देखे बगैर ही गए, अच्छी बात है देखे बगैर ही जाएंगे वापस।
सुना रे भाई, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र भाई। कैसा गुजरा आपका ये कॉन्सर्ट? बहुत अच्छा गुजरा, बहुत अच्छा। कितने बहुत इंजॉय किया यार, बहुत। यार मेरे साथ सीन ये हुआ कि सबसे पहले इनको छोड़ के मैं गया हूँ, मुझे मेरे दोस्त हैं उधर अपने घर से थोड़ा दूर रहते हैं, वो लड़के मिल गया, उनके साथ जाकर बैठ गया हूँ। फिर मुझे कॉल आई है संभाल के लड़कों की, वहाँ से वापस आके उनके साथ जाके बैठ गया हूँ। अब उनके लड़कों के साथ वापस आ रहा था तो ये लोग लड़के जो अभी थे, फिर ये मिल गया, इनके साथ जाके बैठ गया और ये लोग मुझे ढूंढ रहे थे, मुझे हमें गालियाँ दे रहे होंगे यहाँ पे, यार किधर चला गया, और यहाँ से वापस निकल ही रहे थे कि ये लोग मिल गए, वापस अपने लड़कों में जा रहे हैं। इनके साथ मैं क्यों नहीं रुका, मैंने आपको शुरू में बताया कि मुझे व्लॉग नहीं दान दे रहे थे, फिर अभी सही हुआ इनके साथ के ढूंढ दे रहे हैं। अभी जाएंगे तो शोर करूँगा, मैं जाऊँगा तो वो शोर करेंगे। खैरा हम लोग निकल आए हैं कॉन्सर्ट से, वहाँ पे आखिर में ये हुआ कि मुझे लगा शायद मैं वापस जल्दी जा रहा हूँ, लेकिन बाहर निकले हैं तो वो कहते हैं शो ख़त्म हो गया। शो ख़त्म होने का मतलब ये है कि आसिम नज़र नहीं आया था। मेरे साथ मैं 5 बार गया हूँ, तकरीबन 4 से 5 बार गया हूँ कॉन्सर्ट्स पे, और मैं 2 बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जो कॉन्सर्ट वाला था वो नहीं आया, एक बार यंगस्टर नहीं आया था, दूसरी बार यासिम नज़र नहीं आया। खैर अभी हम जा रहे हैं वापस, आते हुए एक शोल हुआ है, वो शोल आप इसके चैनल पे देख लेना, वो फिर सारे लड़के कहते हैं हमारे इसमें ऑडियंस है ना, ऑडियंस के हमारे जो 8-10 लड़के हैं उनसे है ना, तो वो बोलते हैं कि यार दोनों एक ही बात बताते हो। खैर वो उसके ब्लॉग में देख लेना। हमारी काफ़ी सारी वजह थी वापस आने की, उनमें से एक यही थी कि भूख लगी थी, और बाकी वो कह रहे थे गाड़ियाँ लेकर गए हुए हैं तो घर वाले बुलाते हैं या इस तरह कुछ करते हैं, तो अभी हम जा रहे हैं वापस। तो यार घर में पहुंच गया था, खाना शाना मैंने खा लिया था, अभी तकरीबन हो गए हैं सुबह के 4:30 हो गए हैं, और मैं अभी तक ब्लॉग एडिट कर रहा था, अभी जाके मेरा ब्लॉग पूरा हुआ है, और ये आउटरो बनाने में अभी भी अंदर है, मेरे कमर में दर्द शुरू हो गया, इतना मैं तब फिरे हैं वहाँ पे। तो वीडियो को लाइक लाजमी करना, और अगर हो सके तो इस वीडियो को किसी न किसी के साथ शेयर कर देना या स्टेटस पे लगा देना, तो बहुत अच्छी बात है। खैर इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लो, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, या आपने मेरे से मिलना तो मेरी पिछली वीडियो देख लो, ऐसे ही है बस, ठीक है, सब्सक्राइब कर दो, अल्लाह हाफिज़ कर दो, बाय बाय।